बाजार से निकल के थोड़ा हम उस पार है बांग्लादेश। वेलकम टू टूरा। बाजार किस तरह पे बाजार? यहाँ से जाके फिर से यहाँ जाके फिर से वो थे रास्ते में, उस रास्ते नीचे तक जाना है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं जा रहा हूँ मेघालय की वेस्ट गारो हिल डिस्ट्रिक्ट के एक छोटी सी टाउन टूरा, और ये राइड वन डे सोलो राइड होने वाला है। देखते रहे इस वीडियो को, हम टूरा में जाके क्या कुछ करेंगे या क्या कुछ देखेंगे वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये हम पहुंच गए हैं पाइकान, यहाँ से लेंगे लेफ्ट, यहाँ सब टूरा की ओर जाने वाले गाड़ी। यहाँ लिखा है टूरा 100 किलोमीटर। देखो भाई देखो, आगे देखो, वाओ मैन, आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहे मुझे, थोड़ा धीरे से चलाना पड़ेगा। रास्ते बहुत ही सुंदर। बहुत दिन पहले ही मैंने टूरा जाने की प्लानिंग की थी, लेकिन समय नहीं मिल रहा था। फाइनली आज मिल गया है, और ये कुछ इस तरह इसका नज़ारा भाई, बहुत ही दिल खुश कर दिया। छोटी छोटी पहाड़ियाँ और इन पहाड़ियों पे घर, क्या मज़ा आता होगा इन लोगों को रहने में। यार काश यहाँ अपना भी घर होता इन पहाड़ियों में। यहाँ आप सीधे रास्ते बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच में ही बनाया हुआ रास्ता है, तो तेरे मेरे तो होगा ही। क्या नज़ारा है भाई जी, तोरी पहाड़ सर रही है, हम थोड़े थोड़े ऊपर ऊपर जा रहे हैं। देखो भाई, पहाड़ों के बीच छोटी सी तालाब, इतनी पहाड़ के ऊपर यहाँ हवा चल रही है जोर जोर से, पता नहीं कहाँ से हवा आ रही है इतना पहाड़ों के बीच। ये देखो उसका नज़ारा, पहाड़ के ऊपर घर, यार किस तरह जाते होंगे ऊपर। ये है नज़ारा, नजारा कुछ इस तरह। थोड़ा ऊपर सर की इसका व्यू पॉइंट आपको दिखाएंगे हम, यहाँ से जाके फिर से यहाँ जाके फिर से वो है रास्ते में, उस रास्ते नीचे तक जाना है। कभी लेफ्ट कभी राइट, क्या रास्ते हैं, रास्ते बहुत ही कर्व,
ये शायद गांव के ऊपर जाने के रास्ते। वेलकम टू टूरा, हम पहुंच गए हैं टूरा। टूरा प्राइड ऑफ गारोस, ये शहर सुंदर है। कितने सुंदर लड़के हैं, वाओ। थोड़ा बुखार आ रहे हैं, थोड़ा रेस्ट लेना पड़ेगा खाना पीना खा के, वरना बुखार जोर से आ सकते हैं। जल्दी एक होटल ढूंढ लेते हैं। थैंक यू थैंक यू। आज संडे है इसलिए सारा रेस्टोरेंट बंद है। बाज़ार जाना पड़ेगा, बाज़ार में है खाने को शायद, ऐसा कह रहा है लोग। बाज़ार किस तरह पे अभी? ये पूछना पड़ेगा। बाज़ार किस तरफ है? बाज़ार किस तरफ है? बाज़ार हाँ आगे। थैंक यू। हाँ बाजार तो हम पहुँच गए हैं। यह कुछ खाने को मिलेगा, देखना पड़ेगा। ये उसके लोकल मार्केट, अब किस तरह जाऊं? एक भी होटल नहीं दिख रही है। ये पे मिठाई की दुकान है, ये पे खाना पड़ेगा बस। खाने को क्या क्या होगा? पराठा होगा तो दे दो। ओके, टूरा बाज़ार तो थोड़ा घूम ली। बाज़ार से निकल के थोड़ा हम गलत रास्ता पकड़ लिया मैंने। थैंक यू अंकल, सही रास्ता बताने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। यहाँ का लोग भी सिंसियर है, तो बता रहे थे अंकल रास्ता इधर नहीं है उधर है। वैसे टूरा शहर सुंदर तो है, साफ सुथरा है। क्योंकि ये पहाड़ के ऊपर बने हुए शहर है, शहर तो कह नहीं सकते, बड़े शहर नहीं है, छोटी सी कैपिटल टाउन है, लेकिन अच्छा है।
मैं यहाँ के लोकल फूड ट्राई करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ढूंढ के भी मुझे नहीं मिला, क्योंकि आज संडे है इसलिए यहाँ मार्केट बंद है, होटल रेस्टोरेंट सभी बंद है एक्सेप्ट ही टूरा। शहर से अभी निकल रहा हूँ, अभी एक पॉइंट पर जा रहा हूँ, सनसेट व्यू पॉइंट, और गूगल मैप लगा लिया है मैंने। प्लान में तो और इसी बदलाव, सनसेट व्यू पॉइंट तो नहीं देखेंगे अभी, अभी जाएंगे एलिफेंट व्यू पॉइंट, इसी रास्ते के तोरे आगे। ₹500 के तेल भरा लिया है, अभी कोई चिंता नहीं, सीधा अपने घर तक वापसी हो सकेंगे। सब सुपारी के पेड़, वो है व्यू पॉइंट। वाओ मैन, ओह सारे भेले दिख रहे हैं यहाँ से। तो ये है इसका व्यू पॉइंट कुछ इस तरह, यहाँ से सारे वैली दिख रही है, वो दूर तक हवा भी आ रही है, मस्त जगह है यहाँ। अब नीचे देख रही हो घर, गिने सुने घर ही है, ज़्यादातर घर नहीं, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन बहुत ही कम है, देख सकती हो आप, वो एक वो भी एक दो तीन, कुछ गिने सुने ही, कितनी मस्त जगह है। या ऊपर सर के का मस्त भी दिखाएंगे आपको, देख रही छोटी छोटी पहाड़ियाँ, वाओ। अरे पीछे तो ये है एलिफेंट व्यू पॉइंट कुछ इस तरह, और मस्त हवा भी आ रही है। अगर आप लोग भी आना चाहते हो या घूमना चाहते हो तो आ सकते हैं, और इस जगह की नज़ारा की मज़ा ले सकती है। मुझे लगता है यहाँ हर वक्त हवा ही आती रहती है, क्योंकि उस पार है बांग्लादेश, बांग्लादेश यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, 50 किलोमीटर है, और वहीं से हवा आ रही है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल से हवा आती है और मेघालय के पहाड़ों में टकरा जाती है, इसलिए मेघालय में ज़्यादा बारिश भी होती है और यहाँ इसलिए हवा भी ज़्यादा है। मुझे लगता है यहाँ काफ़ी लोग आते हैं इस व्यू पॉइंट पे। ये है नज़ारा, सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ की रास्ते लगी, इतने स्मूथ रास्ते इसी पहाड़ी रास्ते पे, थैंक्स टू द सीएम ऑफ मेघालय। अभी नेशनल हाईवे 217 पकड़ लेंगे और सीधा जाएंगे पाइखान। जिस रास्ते आए थे इसी रास्ते हम वापस जा रहे हैं, तो यही था गाइस आज के राइड। वीडियो देख के कैसे लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
अगर आप लोगों को कोई सुझाव सजेशन है तो हमें ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। इसी तरह आप लोग सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, तो हम भी वीडियो बनाने की मोटिवेशन और मिलती है। आप लोग कमेंट करके बताइए मुझे नेक्स्ट राइड में कहाँ करूँ।